सबको मेरे प्रणाम जी। मेरा नाम विषय मिधि, मैं विषय विद्यालय में 10वीं कक्षा पढ़ रहा हूँ। आज मैं आपको एक वास्तविक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक लड़की थी जिससे स्कूल के सारे अध्यापक बहुत ही परेशान थे। वह लड़की हर 5 मिनट में खड़ी होकर कक्षा में चक्कर लगाकर वापस फिर बैठ जाती थी। उसे चाहे कितनी भी बड़ी पनिशमेंट क्यों दी जाए, फिर भी वह अपनी आदत छोड़ती नहीं थी। उसकी आदत से सब लोग बहुत हैरान हो चुके थे। सब लोग सोचने लगे कि आखिर यह लड़की ऐसी करती क्यों है, क्या यह हमें परेशान करना चाहती हैं या फिर कुछ और हैं। बहुत सारी पनिशमेंट और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उस लड़की में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। यह सब देखकर प्रिंसिपल ने सोचा कि अब हमें इसके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए और यह सब बताना चाहिए। जब उस लड़की की माँ स्कूल में आई, तब सारे टीचर्स ने मिलकर उसकी फरियाद उनसे की और प्रिंसिपल ने कहा कि आपकी बेटी डिसेबल पर्सन है, वह यहाँ पर नहीं पढ़ सकती हैं, उसमें ज़रूर कोई ना कोई कमी है, आप उसे उस स्कूल में भेजिए जहाँ पर डिसेबल पर्सन वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसकी माँ यह सब कुछ सुनकर बहुत हैरान रह गई और सोचने लगी कि उसके बेटे का भविष्य का क्या होगा। यह सब सोचकर वह अपनी बेटी को एक डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर के पास भी वह लड़की ठीक से 5 मिनट भी नहीं बैठ रही थी। यह सब कुछ देखकर डॉक्टर ने अपने पास पड़े हुए रेडियो को चालू किया। जैसे ही रेडियो चालू हुआ, वह लड़की डांस करने लग गई। यह देखकर डॉक्टर ने खुश हो गए और उसके माँ से कहा कि आपकी बेटी डिसेबल पर्सन नहीं है, बस उसमें ज़रूरत से ज़्यादा टैलेंट भर है, आप इसे ऐसी स्कूल में भेजिए जहाँ पर उसे डांसिंग सीखना जाता है। माँ ने डॉक्टर की बात मान ली और उसे डांसिंग स्कूल में भर्ती कर दिया। अब वह लड़की एक बहुत बड़ी डांसर, एक्टर, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है गिलियन लेनी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से पागल हो जाते हैं, तो क्या हमें उसे पागल जैसे रिएक्टर कर रहा हो मगर उसका दिमाग दिन प्रतिदिन तेज होता जाता है। धन्यवाद।